जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण। और ये देखिए हमारे प्रभु का सिंघार जो है तो हो गया है, दिवाली का ये सिंघार है। तो मुझे उतना नहीं आता है जिस तरीके से हमारे भगवान, हमारे प्रभु हमारे आराध्य करवाना चाहते हैं, तो उस तरीके से हम इनका सिंघार कर देते हैं। तो ये सारे जो ड्रेस है ये खुद से मैंने बनाया था, आप लोगों को दिखाया है, और एकदम हल्का सा मैंने सिंघार किया है। ये देखिए बस सिल्वर का जो है सो इयरिंग और एक लॉन्ग सेट पहना दिया प्रभु को, और हाथों में बैंगल है, बांसुरी है जो कि हमेशा वो धारण करते हैं, और एक मुकुट लगा दिया, बस इतना ही है। और इतना में ही देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, यहाँ से ऐसे ये ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये देखिए ये हमारे कृष्ण जी हो गए, और अब हम आपको दर्शन करवाते हैं हमारी राधा रानी का। ये देखिए राधा रानी का लहंगा, और इस तरीके से हमारी राधा रानी सज सवर के बंधन गई है। ये देखिए कितना सुंदर लग रही है, एकदम मनमोहक रूप है इनका। अभी जो है सो सर पे चंद्रिका लगाना बाकी है, और एकदम जो है सो क्या बोलते हैं, एकदम नॉर्मल सा मैंने सिंघार रखा है इनका। इनको भी सेम वही हाथों में बैंगल्स जो कि ज़रूरी है, और इनको दो सेट पहनाया है क्योंकि एक ही सेट पहनाते तो उतना जो है सो अच्छा नहीं दिखता, इस वजह से तो माता को मैंने दो सेट पहनाया। और मेरे पास जो है सो शॉर्ट सेट जो है सो दो ही हैं, इस वजह से एक जो है सो माँ भगवती को मैंने पहनाया और एक हमारी राधा रानी को पहनाया। तो ये देखिए इस तरीके से सिंघार है इनका। अभी चंद्रिका लगाना बाकी है तो आसन पे इनको स्थापित कर देंगे, उसके बाद इनको लगा देंगे। तो जितना भी दिया है प्रभु, जितना हमसे हो सके उतना मैंने इनको सिंघार कर दिया है। ये देखिए कितना सुंदर मनमोहक स्वरूप लग रहा है, और पूरा सामान जो है सो ये छिद्रा हुआ है इधर उधर, तो सब जो है सो मुझे सही करना पड़ेगा अभी। और ये जो है सो दिवाली से दो दिन पहले ही, तीन दिन पहले ही हम सिंघार कर रहे हैं प्रभु का, अभी टाइम है दिवाली का। तो आप लोग भी इस तरीके से पहले ही सिंघार करके स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इनके सिंघार में इस वजह से। तो चलिए अब इनके स्थान पे इनको स्थापित करते हैं। आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।